नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में लागू किया जाएगा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि असम की तरह हरियाणा में भी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में कानून आयोग के गठन करने पर भी विचार किया जाएगा। समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों की सेवाएं लेने के लिए अलग अलग से एक स्वैच्छिक विभाग का गठन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को अपनी सरकार के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के अंतिम दिन पंचकुला में हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व चेयरमैन न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त HS भल्ला के सेक्टर 16 स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 5 दिवसीय महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज पंचकुला में विभूतियों से मिल रहे हैं। न्यायमूर्ति भल्ला के अलावा पूर्व एडमिरल JS लांबा सेक्टर 6 MD MCD और लेफ्टिनेंट सेवानिवृत्त बलजीत सिंह अमरावती इनक्लेव में भी उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य सरकार द्वारा पिछले 5 सालों में और उस कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है ताकि वे आने वाले समय में क्या करना है और क्या कर सकते हैं इसके बारे में सुझाव ले सकें। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। हमारे पार्टी की ओर से तो हर वर्ष ही एक अभियान चलाया जाता है, इस बार भी 5 दिन का ये अभियान चल रहा है, महासंपर्क अभियान। इसमें हम पूरे देश भर में जो भी समाज के प्रमुख लोग होते हैं उन सबको मिलने का एक कार्यक्रम हमारा बनता है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने भी जैसे जस्टिस HS भल्ला जी से आकर के मैं मिला हूँ, उससे पहले एडमिरल सुनील लांबा से मिल के आया हूँ और भी आगे एक दो जगह जाना है। तो स्वाभाविक है जब मिलकर बैठते हैं तो देश और समाज की बात भी होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे HS भल्ला पहले भी अब रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने कई असाइनमेंट्स की हैं और समाज के काम करते रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी उसकी चेयरमैनशिप की और बहुत अच्छे इन्होंने वहाँ काम किए हैं और अभी आज NRC के ऊपर ये काम कर रहे हैं और शायद हम भी जाने की आपकी योजना है। हमने भी कहा है कि हरियाणा में हम NRC को लागू करेंगे और इसमें भी हम बालाजी का सहयोग चाहेंगे कि उसमें किस प्रकार से लागू किया जाता है, कैसे किया जाता है। इन्होंने हमको एक और सुझाव दिया कि हरियाणा में लॉ कमीशन बनना चाहिए, उसका भी अध्ययन करेंगे और लॉ कमीशन की जहाँ तक आपका सुझाव है उसके ऊपर फिजिबिलिटी देख करके और हम विचार करेंगे। उसको भी अगर बनाने से जनता का लाभ होता तो भी ग्रहण करेंगे। उसमें सरकार की आपकी जो उपलब्धियाँ हैं या पार्टी को लेकर उनके बारे में उनके बारे में चर्चा हुई है, क्योंकि हमने अपना साहित्य छुपाया है, वो साहित्य भी आपको दिया है और उन सब योजनाओं का आप अध्ययन भी करेंगे और स्वाभाविक रूप से जितने जनता को लाभ की योजनाएँ हैं वो सब ऐसे प्रमुख लोग अगर अपनी राय रखते हैं देते हैं तो अच्छा लगेगा। प्रोमिनेंटली जो सब लोगों ने जितनी जानकारियाँ उनको हैं सबको सब हमारे योजनाओं की तारीफ करते हैं, उसका हमारे पार्टी की ओर से वैसे तो हर वर्ष ही एक अभियान चलाया जाता है, इस बार भी 5 दिन का ये अभियान चल रहा है, महासंपर्क अभियान। इसमें हम पूरे देश भर में जो भी समाज के प्रमुख लोग होते हैं उन सबको मिलने का एक कार्यक्रम हमारा बनता है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने भी जैसे जस्टिस HS भल्ला जी से आकर के मैं मिला हूँ, उससे पहले एडमिरल सुनील लांबा से मिल के आया हूँ और भी आगे एक दो जगह जाना है। तो स्वाभाविक है जब मिलकर बैठते हैं तो देश और समाज की बात भी होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे HS भल्ला पहले भी अब रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने कई असाइनमेंट्स की हैं और समाज जो भी काम करते रहे हैं अभी भी लगे हुए हैं। इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी उसकी चेयरमैनशिप की और बहुत अच्छे इन्होंने वहाँ काम किए हैं और अभी आज NRC के ऊपर ये काम कर रहे हैं और शायद हम भी जाने की आपकी योजना है। हमने भी कहा कि हरियाणा में हम NRC को लागू करेंगे और इसमें भी हम बालाजी का सहयोग चाहेंगे कि उसमें किस प्रकार से लागू किया जाता है, कैसे किया जाता है। इन्होंने हमको एक और सुझाव दिया कि हरियाणा में लॉ कमीशन बनना चाहिए, उसका भी अध्ययन करेंगे और लॉ कमीशन की जहाँ तक आपका सुझाव है उसके ऊपर फिजिबिलिटी देख करके और हम विचार करेंगे। उसको भी अगर बनाने से जनता का लाभ होता तो भी ग्रहण करेंगे। उसमें सरकार की आपकी जो उपलब्धियाँ हैं या पार्टी को लेकर उनके बारे में उनके बारे में चर्चा हुई है, क्योंकि हमने अपना साहित्य छुपाया है, वो साहित्य भी आपको दिया है और उन सब योजनाओं का आप अध्ययन भी करेंगे और स्वाभाविक रूप से जितने जनता को लाभ की योजनाएँ हैं
वो सब ऐसे प्रोमिनेंट लोग अगर अपनी राय रखते हैं देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रोमिनेंटली जो सब लोगों ने जितनी जानकारियाँ उनको हैं सबको सब हमारे योजनाओं की तारीफ करते हैं, उसका हम काफ़ी।